नमस्कार, आज की रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला। देखिए लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो फिर चलिए देख लेते हैं पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होगी। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए एक तेज़पत्ता, 3 प्याज, 4 टमाटर, 4-5 कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, काजू 15, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 छोटी इलायची, 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। बाकी सूखे मसाले हम पकाते वक्त देख लेंगे। 200 ग्राम पनीर और 30 ग्राम बटर। गरम कढ़ाई में आधा बटर डाल देंगे। बटर के पिघलते ही अब हम इसमें पनीर के पीसेस डालेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम पर रख के पनीर पीसेस को हल्का फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई हो चुकी है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब बचे हुए पनीर पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में काजू डालेंगे। अब इसमें 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, 5-6 कश्मीरी मिर्च डालकर 1-2 बार चला लेंगे। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का टुकड़ा डालकर 2-3 बार चला लेने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। प्याज को 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालकर अच्छे से मिलाएंगे। ढककर टमाटर नरम होने तक पकाएंगे। देखिए अब टमाटर नरम हो गया है। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम तेज़पत्ता, इलायची और दालचीनी को निकाल देंगे और टमाटर और प्याज को महीन पीस लेंगे। मसाले को महीन पीसना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी ग्रेवी स्मूथ बनेगी। अगर पीसने के बाद थोड़ा दरदरा रह जाए तो आप उसे छलनी से छान लीजिए। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे और इसके लिए हम इसमें 2 चम्मच तेल और बटर डालेंगे। बटर के पिघलते ही हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे जिससे कि ग्रेवी का कलर बहुत सुंदर आएगा। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। अब हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। मसाले को पकाते हुए 7 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून घर की मलाई डाल देंगे। मलाई को अच्छे से मिलाकर पका लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे या फिर आप 1 चम्मच चीनी ले सकती हैं। कंडेंस्ड मिल्क से ग्रेवी की टेस्ट बहुत बढ़ जाती है, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद आता है। इसके जगह आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसमें ड्राई रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल देंगे। कसूरी मेथी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे। पनीर पीसेस को अच्छे से मिलाकर 2-3 मिनट तक पकाएंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बनके तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।